ये सब क्या फैलाया हुआ है यार, बंद करो, सोना है मुझे। तो सो जाओ, मैं आपसे क्या कह रही हूँ। लाइट्स ऑन है, तुमने ये सब यहाँ पर बिखेरा हुआ है, कैसे सो सकता हूँ मैं? मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ कि आपके अंदाज क्यों बदले हुए हैं। समझ गई हो, बहुत अच्छी बात है। अगर समझ गई हो तो मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देती? वैसे भी तुम्हारी वजह से हो रहा है ये सब। क्या मतलब है आपका? मैं आपके सर पे सवार हूँ? हाँ, जबरदस्ती सवार कर दी गई, और असल चेहरा तो अब देख रहा हूं मैं तुम्हारा। लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब मम्मी के सामने भी तुम्हारी असलियत खुल के आ जाएगी। मुझे लगता है शायद आप अपने होश में नहीं हैं। आज ही तो आया हूं होश में, और शोहर से हमदर्दी के बजाय तुम्हें सिर्फ दौलत और जायदाद की पड़ी है। शेम ऑन यू वाइमा। इतनी बड़ी कमजोरी जानने के बाद इंसान में थोड़ी नरमी आ जाती है, मगर आप तो उल्टा अकड़ रहे हैं। लालची इंसान के सामने नरमी से बात नहीं की जाती। और वैसे भी मैं तो तुम्हें औलाद की खुशी दे नहीं सकता, तो छोड़ क्यों नहीं देती हो मुझे? इतनी आसानी से छोड़ दो? हाँ ठीक है, मम्मी ने मेरी शादी जबरदस्ती करवाई है आपसे, मगर छोड़ने का फैसला आपको मेरा होगा। ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल जाओ यहां से। कहाँ जाऊं? नीचे अपने कमरे में, क्योंकि कल यहां पर एमल को वापस ला रहा हूं मैं, और अपनी जिंदगी में भी। हमेशा सब कुछ वैसा नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं मिस्टर शहरयार। तुम्हें मुझसे सिर्फ दौलत और जायदाद चाहिए थी, वो तो मैंने तुम्हें दे दी है। और मांगूंगी तो और भी दे दूंगा, लेकिन प्लीज मेरी जान छोड़ो, फॉर गॉड सेक। और हाँ, सुबह ये कमरा खाली होना चाहिए, क्योंकि एमल किसी और कमरे में नहीं रहेगी। इसी कमरे पे हक है उसका, अंडरस्टैंड? मेरे आने से पहले समेट लेना ये सब।